गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्त्री लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बरसों पड़ा मैंने तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। ताक में रख दे 100 किताबें प्यार की, ताक में रख दे 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे वेर पढ़, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे वेर पढ़। आइए हम आपको मोटिवेशन में आज हमारा एक टारगेट बनाते हैं कि ऐसे शख्स को जिसने पूरे विश्व में अपना इतिहास रच दिया। क्यों? क्योंकि उसकी डिक्शनरी में एक शब्द नहीं है, वो शब्द है आई कांट, मैं नहीं कर सकता। ये शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है और इस शब्द को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता। यदि ये पंचलाइन, ये वर्ड आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इतिहास रच सकते हैं, आप रेगिस्तान में भी फूल खिला सकते हैं। यदि ये वर्ड आपकी जिंदगी में है कि आई कांट, इस शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दो कि मैं नहीं कर सकता। जिस शख्स ने, जिस भी वीना ने, जिस भी विक्टर ने ये शब्द को अपनी जिंदगी में उतार दिया कि मैं नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। जिसने ये शब्द उतार दिया कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ये शख्स इतना जिद्दी है, इतना डिटरमाइंड है कि इसने अपने 47वें जन्मदिन को 24 घंटे काम करके मनाया। 47 जो इसका बर्थडे था, इसने सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई केक नहीं काटा, कोई मोमबत्ती नहीं जलाई। जैसा एक आम हमारी विचारधारा होती है कि मोमबत्ती जलाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, इसने कहा मेरा अचीवमेंट ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरी सक्सेस ही मेरा सेलिब्रेशन है। तो ऐसे शख्स को यदि हम फॉलो करते हैं, अपना मोटिवेटर बनाते हैं कि हम भी क्या 24 आवर्स पढ़ सकते हैं, क्या 24 आवर्स हम हमारा सेक्शन, हमारे आर्टिकल्स, हमारे लॉ, हमारी इंग्लिश, हमारी हिंदी, जो भी हमारा टारगेट है वो पूरा कर सकते हैं क्या? यदि इस शख्स को फॉलो किया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। जरूर चाहिए, जिद चाहिए, जज्बा चाहिए। जीतने के लिए आपको अपने आप को अंदर से चेंज करना पड़ेगा कि यस, मैं कर सकता हूं। जब ये शख्स कॉलेज में पढ़ता था तो इसके आए 98% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स आए? 98, यानी टॉपर था ये अपनी कॉलेज का। ये अपने लेक्चरर्स के पास जाता है और कहता है कि 100 नहीं हो सकते क्या? जो कॉलेज का टॉपर है, जिसने टॉप कर दिया, टेक द केक कर दिया, फिर भी जाकर अपने लेक्चरर्स को कहता है, अपने प्रोफेसर को कहता है, क्या 100 नहीं हो सकते क्या? ये 2 नंबर कहां रह गए? ये कहलाता है जीत का जुनून, ये कहलाता है जज्बा। पहले ये जज्बा अंदर से क्रिएट करो, किताब तो बाद में हाथ में आ ही जाएगी। इसको कहा गया, क्या कहा गया? 3 महीने में 50,000 कार को डिलीवर करना है। विद इन 3 मंथ्स 50,000 कार शुड बी डिलीवर्ड। विद इन 3 मंथ्स, इम्पॉसिबल टास्क एक आम आदमी के लिए, असंभव काम एक आम आदमी के लिए, पर इसने कर दिखाया। इसने 3 महीने के अंदर 50,000 कार को डिलीवर किया, क्योंकि जिद्दी इंसान था। और हमेशा याद रखना, पागल इंसान ही इतिहास लिखता है, बुद्धिमान आदमी तो उसको पढ़ता है। दुनिया में जितने भी पागल हुए हैं ना, या जिन्होंने भी इतिहास लिखा है, वो जुनूनी व्यक्ति थे। पागल का मतलब पत्थर फेंकने वाला नहीं, पागल का मतलब जुनूनी पैशनेट व्यक्ति को कहते हैं। ऐसा इंसान 50,000 कार को 3 महीने में डिलीवर कर दिखाया, जो पूरी दुनिया के लिए, क्या बड़ी बड़ी कार कंपनियों के लिए असंभव था कि विद इन 3 मंथ्स वी कांट डिलीवर। कांट तो इसकी डिक्शनरी में ही नहीं है ना, मैं नहीं कर सकता, क्या होता है मैं नहीं, आई कांट, इम्पॉसिबल, ये तो होता ही नहीं ना मेरी जिंदगी में। एक बार इसके फैक्ट्री में कहा गया कि पार्ट्स खराब हो गया, बोले कहां से आएगा ये पार्ट्स? बोले फ्रांस से आएगा। कहां से आएगा? फ्रांस से आएगा। कितने दिन में आएगा? 2 दिन में आएगा। बंदे को सब्र नहीं थी, जरूरी इंसान था। इसने अपना प्राइवेट प्लेन उठाया, फ्रांस गया और उसी दिन वापस ले आया, जैसे अजमेर गेट से लेके आते अपन पार्ट्स। सेम डे इसे कहा गया 2 दिन बाद फ्रांस से पार्ट आएगा, बोले नहीं, 2 दिन का सब्र किसको है, 2 दिन का सब्र किसको है, मैं तो आज ही लाऊंगा। अपना प्राइवेट प्लेन उठाया और 2 दिन के तो छोड़ो, सेम डे वो पार्ट लेकर आया। इसको कहते हैं जुनून। और उस शख्स का नाम है द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, एलन मस्क। ऐसे लोग इतिहास लिखते हैं जिनमें कुछ ना कुछ जुनून हो, कुछ ना कुछ पागलपन हो। पहले अंदर वाइब्स क्रिएट करो कि हमें ऐसा करना है। 98 आगे कहता है 100 नहीं आ सकते क्या? जो टॉपर है हमारे यहाँ तो कहते हैं कि साहब इंग्लिश में जाए 12 नंबर आ जाए बहुत है, क्यों 50 से बह रहे क्या? 100 को टारगेट बनाओ ना, आप टारगेट ही 100 को बनाओ ना, टारगेट 80 को 85 को क्यों बनाते हैं?
कोई मर्सी थोड़ी है, कोई दया थोड़ी है कि 80 आ जाए 85 आ जाए, आप टारगेट ही 100 कर दो, मुझे तो 100 लाने, मैट्रिक खत्म, झंझट ही खत्म ना। और 100 की तैयारी को एक हार्ड मास का इंसान यदि इतिहास लिख सकता है तो आप और मैं या दुनिया का कोई इंसान इतिहास क्यों नहीं लिख सकता। तो इसी मोटिवेशन को, इस शख्स को अपनी जिंदगी में उतारो, इसे फॉलो करो, इससे आइडियल बनाओ। यदि आप अपने जीवन में कुछ महान लोगों को, सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी की आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमें सीधा हाथ में किताब ली, पढ़ने चल दी है, अरे पहले ट्रैक तो, पहले वो गर्स तो क्रिएट करो जो विजय की ओर लेकर जाएंगे, जो विजय श्री को दिलवाएंगे, वो गर्स तो क्रिएट करें ना, अपने आप सारा काम हो जाएगा। माइंड और बॉडी उस नॉलेज के एब्जॉर्ब कर लेगी कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के टॉपिक की तरफ। यस, आप फर्स्ट आए क्या? क्या नाम है आपका? निमिषा? समीक्षा? तो समीक्षा, इंग्लिश में कैसा लेवल है आपका? ठीक है। कहां से किया आपने LLB? जयपुर से? कहां से? राजधानी से। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? ओके। इस समय कहां पाते हैं आप अपने आप को इंग्लिश में? अरे कैसा लेवल है? यदि आपको 15 क्वेश्चन प्री के दिए जाए तो आप कहां पाते हैं अपने आप को? कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कर सकते हो ना, तैयारी कर सकते हो ना? यस आई कैन। ये दिमाग में बैठा लो, बाकी काम मेरा है। ये दिमाग में बैठा लो तो प्री के 15 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। मेंस में अपन टोटल होल सीट पर है ही। देखिए आज आपका पहली क्लास में जरूर आपको अटपटा सा लगेगा, आप थोड़े लेट आए हैं, लेकिन मैं क्लिमेटाइज कर दूंगा। बस दिमाग में ये प्रिंट करके चलना आई कैन। एक घंटे में भी अपन वो कर सकते हैं जो लोग एक साल में नहीं कर सकते, बस दिमाग ये प्रिंट करके। इसीलिए मैंने आज इतना बड़ा इस इंसान से मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ, बहुत मैं इंस्पायर हुआ कि हार्ड मास का इंसान इतिहास लिख सकता है तो हम कुछ कर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं ना, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज तो जो है बारिश हो गई, आज संडे है, एक्सक्यूजेज ही तो है हमारे। और है क्या, संडे के दिन तो पढ़ना ही नहीं है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है? लेकिन शुरू से सिखाया ही ऐसा गया है ना, आज संडे है, संडे के दिन बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, संडे के दिन बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। क्यों भाई? संडे के दिन तो डबल काम करना चाहिए। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन यदि अपने 47वें बर्थडे पर 24 घंटे काम कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वाइफ है, आज तो संडे है, आज गर्मी ज्यादा है, आज तो वो मौसी जी की लड़की की शादी है, आज तो वहां जाना है, क्यों जाना है? मौसी जी की लड़की शादी हाल करेगी? हेलो 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 हेलो। चलिए तो देखिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहां से आया और क्यों आया, उसकी पूरी थ्योरी हमें अप्लाई करनी है, उसके बाद हमें आगे की तरफ मूव करना है। देखिए आप, यू ब्लैंक स्पेस ईस्टर्न रूल्स टू अवॉइड फैटल एक्सीडेंट, पहला नॉलेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ईस्टर्न रूल्स, ईस्टर्न रूल्स बोलते हैं सख्त नियमों को, ईस्टर्न रूल्स बोलेंगे सख्त नियमों को जो हम कर चुके हैं, बहुत ही सख्त नियम क्या कहलाएंगे? ईस्टर्न रूल्स, सख्त नियम, बहुत ही कठोर नियम ईस्टर्न रूल्स कहलाएंगे। दूसरा देखिए आप, दूसरा आपसे कहता है फैटल एक्सीडेंट, फैटल अभी लॉ में भी पढ़ते हैं, जानलेवा वार, फैटल इंजरीज कहलाती है, फैटल एक्सीडेंट, जानलेवा दुर्घटना जिससे जान चली जाए, ये आपके IPC में भी काम आता है, जानलेवा दुर्घटना क्या कहलाएगी? फैटल एक्सीडेंट, फैटल इंजरीज आपके IPC में आती है। 307 में कोई अटेम्प्ट हुआ है तो वो आपका फैटल एक्सीडेंट है, फैटल इंजरी है जिसके लेथल, टर्मिनल, वाइटल ऐसे हम करेंगे आने वाले वक्त पर। नेक्स्ट पर आइए, अवॉइड, अवॉइड नजरअंदाज करना, तो यू ईस्टर्न ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड फैटल एक्सीडेंट। अब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, पालन करने की, पालन करने की फ्रेजल वर्ब क्या बताई थी मैंने? पालन करने की फ्रेजल वर्ब, अनुसरण करने की फ्रेजल वर्ब, फॉलो करने की फ्रेजल वर्ब, कॉम्प्लाई विथ, फ्रेजल वर्ब। पहले फ्रेजल वर्ब पर आइए, आपका आंसर सही जा रहा है बिल्कुल, कॉम्प्लाई विथ। कॉम्प्लाई विथ का मतलब पालन करना, किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। ये तीन एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आ रहे हैं, पहला ईस्टर्न रूल्स,
दूसरा फैटल एक्सीडेंट, तीसरा कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लाई के साथ प्रपोजिशन क्या आएगा, विथ आएगा, फ्रेजल वर्ब के लिए याद रखना है। अब आते हैं आंसर पर, आंसर क्या कहता है, क्या आएगा आंसर, शुड आएगा, क्योंकि आप क्या देना चाहते हैं, आप राय देना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, शुड आएगा। पढ़िए इसको पहले, यू शुड कॉम्प्लाई विथ स्टंट ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड फैटल एक्सीडेंट, घातक दुर्घटना को टालने के लिए आपको सख्त यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर, शुड आएगा, क्यों शुड आएगा पता है ना, राय देने के लिए शुड आएगा। दूसरे में आइए, दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, वो क्या भी आप बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाने जा रहे हैं। सॉरी करप्शन, दूसरा बढ़ता हुआ, सेकंड आया हमारे पास रोबस्ट, वेरी गुड, रोबस्ट का क्या आंसर आएगा अभी लिख देते हैं, आप अपने मन में रोटेट करते रहिए। और वाइप आउट फ्रेजल वर्ब आ गई, वाइप आउट क्या आ गई, फ्रेजल वर्ब आ गई, क्या मतलब था वाइप आउट का, जड़ सहित उखाड़ना, बस ये नॉलेज को ऐसे टिप्स को उछाल दो आने से पहले। आपने कहा सर बढ़ता हुआ कोई भी चीज हो सकती है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका रेप केसेज हो, चाहे छेड़छाड़ हो, सॉरी किसी ने पूछ लिया कि इसको ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, तो ये वर्ब नहीं है, इसका ग्रामर में नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको वक्त आने पे डिस्कस करेंगे। आज से रोबस्ट का आपने मतलब बता दिया मजबूत, वाइप आउट का मतलब जड़ सहित उखाड़ना यानी समूल नष्ट करना, करप्शन से दिखाओ आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है आपका, ए नैब इज द राइट आंसर। भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी, जो पहले समाप्त हुई वो हेड प्लस वी थ्री में कवर हो गई, और जो बाद में समाप्त हुई वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखिए, वे गुप्त खजाने को एक खंडर के पीछे छिपा चुके थे, पुलिस के उनको रंगे हाथ पकड़ने से पहले। क्लियर, टेंस का रूल है ये, रूल नंबर 7 में पास्ट परफेक्ट में करा दूंगा, विद इन 10 दिन आपका सब कवर करा दूंगा, आज सब जुड़ जाना, तो उसके स्पेशल रूल, उसके स्पेशल कंटेंट में प्रेजेंट आज पूरा खत्म करवा दूंगा विद ऑनलाइन। शॉर्ट नोट्स की ये करेगा, अब उसे बाहर वो नहीं जाएगा, तो रिपीट भी हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत हो तो पूछो। आगे आइए, ए ल्यूनेटिक हिज वाइफ टू आवर्स एगो ड्यू टू हिज ल्यूनेसी, ल्यूनेटिक आप कर चुके हैं, पागल को ल्यूनेटिक कहते हैं, कल इंसेन इसका वर्ड किया था, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला कहता है ल्यूनेटिक एग्जेक्टिव है, पागल, मैड का सिमिलर वर्ड है, ल्यूनेसी क्या है, पागलपन, नाउन है, पागलपन, उसके पागलपन के कारण उसको पागलखाने भेज दिया गया, ल्यूनेसी, इसीलिए पागलखाने को आजकल मेंटल असाइलम नहीं कहते, मेंटल हॉस्पिटल नहीं कहते, आजकल पागलखाने को ल्यूनेटिक असाइलम भी कहा जाता है। आप जब लोग अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे अपना इंटरव्यू तैयार करने के लिए, ऐसे बड़ा आपको खूब मिलेंगे जो है आशरण, इसीलिए ओल्ड एज असाइलम होता है, ऑर्फन असाइलम होता है, क्यों। और आंसर पर आइए, टू क्या, हाँ आंसर कहाँ लाएंगे, किसके कारण लाएंगे बताइए जल्दी, एगो, बुलाओ एगो को, एगो और क्या है, रूम नंबर 5 में कौन रहता है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट डेफिनिट, एगो जिस भी वाक्य में आ जाए, वहां रूम नंबर 5 आएगा, V2 आएगा, पास्ट डेफिनेट आएगा, देखो कैसे घूम रहा है, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। आंसर नंबर स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब है गला घोट देना, स्ट्रैंगुलेटेड लोके केसेज में खूब आएगा, खूब आता है, भवरी देव का गला घोटा गया, स्ट्रैंगुलेटेड,
गला घोटना, इस मदर भी इसका मैंने सिमिलर वर्ड किया था। भवरी देवी को कैसे मारा गया? भवरी देवी हैड बीन स्ट्रैंगुलेटेड। ये पांचवा पास्ट डेफिनेट। मैं पूरा ग्राफ क्लियर करवा दूंगा एक बार, थोड़ा सा आप मेरे नोट्स को तैयार कर ले, फिर मैं पूरा ग्राफ सबको क्लियर करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्ट्रैंगुलेटेड क्या हो गया? गला घोटना। आगे आइए, क्लियर? ये अभी अभी थोड़ा प्रिंट कर लीजिए, कर लोगे आप। एगो जिस वाक्य में आ गया उस वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कल कैसा क्वेश्चन था इसी पर? कल आपने पूछा था सर ऐसा हो तो बी टू किसके साथ आया था कल? यदि वाक्य में इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम हो तो क्या आएगा? बी टू आएगा। करेक्शन देते रहा करो बैठे बैठे बिना किताब के, कॉपी का हाथ नहीं लगाना ऐसा हवा में। हवा में कुछ भी लगे उसको कैच कर लो, वही का वही, कुछ भी हो, पानी हो, बोतल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, हमको हमारी अंग्रेजी तैयार करनी है कहीं पर भी। नेक्स्ट आइए, दे डिप्लीटिंग दियर प्लाइट सिंस दियर डिस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा पैराग्राफ, बहुत अच्छा सेंटेंस। डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग, डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होगा किसी का चित्रण करना। मैं आया हूँ, आप कच्ची बस्ती में जाइए और वहां के लोगों का बताइए क्या हाल है। तो आप बताएंगे सर वो फटे हुए कपड़े पहनते हैं, वो आधे नंगे रहते हैं, वो आधे भूखे रहते हैं, वो नाली के किनारे खाना पकाते हैं। डिपिक्ट कर दिया आपने, पोर्ट्रेट इसका सिमिलर वर्ड है। फिर क्या है? फिर आइए, फ्लाइट, फ्लाइट का अर्थ है याद है किसी को? फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होगा, याद है किसी को? दुर्दशा, दयनीय स्थिति। प्लाइट, कच्ची बस्ती में चले जाइए, प्लाइट ही प्लाइट है। प्लाइट यानी दुर्दशा, डिपिक्ट यानी चित्रण करना। अच्छी बात, आगे चलिए, आगे क्या कहती है कहानी? कहानियां पकड़नी है अपन को, तो कौन से पढ़ाई करने हैं? डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। डेस्ट्रॉय नाउन, डेस्ट्रॉय वर्ब है, डिस्ट्रक्शन नाउन है। डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। डिस्ट्रक्शन हो गया साहब, डिपिक्ट हो गया चित्रण करना, फिर आया प्लाइट दुर्दशा दयनीय स्थिति, फिर आया डिस्ट्रक्शन। किसी ने पूछा डेस्ट्रॉय क्या है, तो आप आंसर दोगे डेस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना। डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी, ये नाउन है, वो हमारी वर्ब है। अब आंसर पर आ जाइए, आंसर क्या चाहता है? सिर्फ क्यों चाहता है, वजह में जाइए। तो देखिए, दे क्या आंसर देंगे, जल्दी बताओ अपने, हैव बीन आंसर सिंस के कारण। यदि सेंटेंस में सिंस आ जाए तो कौन कौन सा रूम आएगा? चार आठ बारह, चार आठ बारह, तो यहां पर आठ बारह तो नहीं है, चार ही तो है, तो क्या आएगा? हैव बीन। ऐसे फंडामेंटल के साथ कोई सुने ना तो बोलते हैं यार पेपर करना तो इसको कहते हैं। पहले का सी पता नहीं क्यों सी, दूसरे का डी, क्या चल रही है टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज को माथे में फोड़े गया जब टेस्ट सीरीज से कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे, यहाँ देखो कितना मजा आ रहा है, पसीना बह रहा है ऊपर से नीचे तक, पर मजा आ रहा है पसीने। आइए, क्लियर? यदि वाक्य में सिंस और फोर आ जाए तो रूम नंबर चार आठ बारह के अलावा कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि समय घड़ी किसमें है? रूम नंबर चार आठ और बारह में। इनकी घड़ी हटा दे तो दो छह और दस, बस ये रोटेशन लेते रहो। आगे चलो, सिनोनिम पर आइए। कहा रैचिड कंडीशन, वर्ड आया रैचिड, वर्ड आया रैचिड, बोलने में डब्लू नहीं आएगा, अच्छी तरीके से दोस्ती कर लो। वर्ड आया रैचिड, रैचिड कौन है? जो रैक्स पहनते हैं। दुर्दशा है जो फटे कपड़े पहनते हैं, जो फटे कपड़े वियर करते हैं। रैक्स, फटे कपड़े, आंसर देना है। रेक्स से फ्रेज बताओ फटाफट। गुदरी का लाल, डायमंड इन द रेक्स, गुदरी का लाल। एग्जाम्पल बताओ, लाल बहादुर शास्त्री, और कोई आईएएस बना हो गरीब तो डायमंड इन द रेक्स। कोई भी, एपीजे कलाम, एपीजे कलाम सर डायमंड इन द रेक्स। मछुआरे के बेटे थे मगर कपड़े, जो आदमी रैचिड कंडीशन से गुजर रहा है
जो आदमी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, नेचुरल है, वो फटे कपड़े पहनेगा, वो रैक्स पहनेगा, वो कच्ची बस्ती में रहेगा, वो दो वक्त की रोटी के लिए तड़पेगा, क्योंकि रैचेट कंडीशन है, बोलने में डब्लू नहीं आएगा, रैचेट। आंसर पे आ जाओ, आंसर क्या कहता है? पिटिएबल कंडीशन। आंसर के पास कभी डायरेक्ट मत जाना, पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति, खराब स्थिति, पिटिएबल। सर एंटोनिम सिनोनिम कैसे तैयार करें? अरे मोटिवेट करो रोज, और ये थोड़ी है प्री का ही काम है, ये मेंस में भी जाएगा तो लिखोगे क्या? विदाउट वोकैब हाउ कैन यू राइट एन इफेक्टिव ऐसे? वोकैब का खेल है सारा का सारा। रैचेट रैक्स पहनेगा, आपके दो वक्त की रोटी के लिए तड़पेगा, क्योंकि है लश। लश का मतलब हरा भरा, कोई बाग हो सकता है, कोई घाटी हो सकती है, हरा भरा यानी ग्रीनरी से भरपूर। अब बाग में जाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? गार्डन। सूखे हुए में कौन जाएगा? वॉक करने जाते हैं, लश गार्डन को देखते हैं कि जो हवा आए वो थोड़ी सी फ्रेश आए, ऑक्सीजन मिले वो अच्छी मिले, इसलिए हम लश गार्डन को ढूंढते हैं। इन वर्ड्स को आप स्वच्छ भारत अभियान में काम में ले सकते हैं, आप एनवायरनमेंट में काम में ले सकते हैं, क्योंकि आजकल एक हरा भरा बाग तो दिन का सपना हो चुका है। गर्मी देखो किसके कारण है? इसी कारण है। क्यों? क्योंकि क्या नहीं है, ये लश गार्डन, ये लश वैली खत्म होते जा रहे हैं हमारी मेहरबानी के कारण। आंसर जाएगा सैपी के पास। सैपी भी हरा भरा और लश भी हरा भरा। लश का सिमिलर वर्ड है सैपी। आइए आंसर कहता है अपोजिट ढूंढ के लाओ। अब तक आपने दोष ढूंढे, अब तक आपने प्रॉस्पर, PROSPER, एक स्टेट है हमारा राजस्थान, एक स्टेट है हमारा राजस्थान, और दूसरा स्टेट है पंजाब। कौन सा ज्यादा प्रॉस्पर है? कहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है? किसके पास पैसा ज्यादा है? बस पंजाब कैसा है? प्रॉस्पर। यहाँ पर एक कहानी याद रखना, पंजाब से पहले दया आएगा। पूरे स्टेट में सिर्फ पंजाब से पहले दया आएगा, पांच नदियों का संगम होने के कारण, और किसी भी स्टेट से पहले दया नहीं आएगा। ये आगे बात करेंगे। आज एक क्वेरी, आज एक इंटरेस्ट, प्रॉस्पर। आ जाइए अपोजिट, राजस्थान को क्या दोगे फिर? अफ्लुएंट दोगे नहीं, वेल्थी दोगे नहीं, फ्लोरिश दोगे नहीं, क्योंकि इसको उसके सिमिलर हैं। उल्टा आ जाओ, राजस्थान एक गरीब स्टेट है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट गरीब, अभावग्रस्त, थोड़ा सा खुशहाल नहीं है, कंपेयर टू पंजाब, कंपेयर टू गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी आर डेस्टिट्यूट स्टेट, जिन्हें बीमारू राज्य भी कहते हैं, और पंजाब गुजरात आर प्रॉस्पर स्टेट, वैभव है, खुशहाली है, समृद्धि है, पैसा ही पैसा है, खुश है सब लोग, क्योंकि प्रॉस्पर है। क्लियर? आगे अटैक करो, अटैक करना, आप एक सोल्जर हो, सोल्जर के वाइफ लेकर आगे बढ़ो। कवेट, वर्ड आया कवेट, दुनिया में सारे अपराधों का जो रीजन है वो कवेट होना है, रीजंस ऑफ ऑफेंस। कोई रिश्वत क्यों लेता है? कोई रिश्वत चाल थोड़ी है, भारतीय संविधान में थोड़ी लिखा है। वो ब्राइब लेता है, वो रिश्वत लेता है कवेट होने के कारण, क्योंकि तो वो सोचता है नौकरी की तनख्वाह से तो क्या होगा, मर्सिडीज मेंटेन कर पाऊंगा नहीं, ऑडी मेंटेन कर पाऊंगा नहीं, लेकिन ब्राइब लूंगा तो मेरी ऑडी और मर्सिडीज जल्दी आ जाएगी। तो उसका कवेट होना उसको रिश्वत लेने के लिए मजबूर करता है, वो चाहता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे अपराध कर देता है जो वो नहीं चाहता है। कवैत, कवैत का मतलब लालची, लोभी। आंसर पर आइए, अपोजिट ढूंढना है। नहीं भैया, अपन तो लाल रोटी से खुश हैं, नहीं चाहिए अपन को ये तामझाम, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो आप, नहीं चाहिए मेरे को, तो रिश्वत नहीं लेनी है, क्योंकि मेरे को नहीं जीना, मेरे को ऐसा पैसा रास नहीं आता है।
तो कवैत का अपोजिट है लालची, सेटिस्फाइड इसका अपोजिट हो जाएगा। जितने भी आप न्यूज़पेपर में ऑफिस, जैसे कल परसों पढ़ रहा था वो रीडर आईएएस बन के ऑर्डर इश्यू कर रहा था, क्यों? पैसा मिल रहा था, कवैत है, बड़े बड़े आईएएस जेल में चले गए, क्यों? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की रिश्वत है, वो अजमेर वाला सस्पेंड हो गया आईएएस कवैत होने के कारण। यदि वो सेटिस्फाइड होता अपनी जॉब से कि नहीं, जो मेरी जॉब है वो सही से है, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, करोड़ों में पैसा नहीं चाहिए, जो मेरी सैलरी है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सैलरी, तो काहे को जेल जाता, काहे को सस्पेंड होता। तो कवैत होगा लालची, ग्रीडी का सिमिलर वर्ड है, सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट होना, आंसर नंबर डी। आइए, इचिंग पाम, इसी की मुंह, इचिंग पाम। इच किसको कहते हैं? खुजली को। इचिंग पाम, पाम कहते हैं अतेली को। आज तो पीसा आंवला खुजली चाल रही, मम्मी का दादी का हमारा डायलॉग बोलते ही, अगर अपन तो कहां से खुजली जाएगी, आज तो खुजली चल रही है, पीसा वाला, यानी लालची होना, यानी ग्रीडी होना, उसी का भाई है, ये वर्ड है, ये फ्रेज है, लालची होना। लोग कहते हैं फ्रेज याद कर ली सर 300, सर हमने तो फ्रेजल में भी याद कर ली, 500 और 1000 याद कर लो, एक ही काम नहीं आएगी एग्जाम में, जब तक तो उसका एप्लीकेशन क्लियर नहीं होगा। इचिंग पाम, आपने आंसर कह दिया, एक्सट्रीमली क्यूपिड, बहुत ज्यादा लालची होना, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, क्यूपिड, कवेट, ग्रीडी, अत्यधिक लालची होने को कहते हैं इचिंग पाम, इच यानी खुजली, और इचिंग के साथ फीट लगा दे तो क्या मतलब हो जाएगा, इचिंग के साथ फीट लगा दे तो हाथ में खुजली चली तो पैसा आएगा, पैसा आ गया, बीवियां जो होती है वैसी होती है, चिंकी यात्रा की शौकीन, मोबाइल ले आओ मैंने तो स्विट्जरलैंड यात्रा की शौकीन को कहते हैं इचिंग फीट, भ्रमण के शौकीन को कहते हैं इचिंग फीट। देखो इचिंग कितनी काम आ गई, हाथ में खुजली चली तो लालची हो गए, एडी में, पैर में खुजली चली तो यात्रा के शौकीन हो गए, इसको कहते हैं इंग्लिश, पढ़ क्या रहे थे, चले गए कहाँ पर, पैर में खुद ही चला दी, क्या कर दिया, इचिंग फीट, यहाँ पे खुद ही चल रही है, घुमा के लाओ मैं तो, इचिंग फीट यात्रा का शौकीन, इचिंग पाम लालची होना, क्यूपिड होना, जो ब्याज में पैसा चलाते हैं वो इचिंग पाम ही होते हैं, 5 रुपए सैकड़ा, अरे भैया 2 रुपए ले ले यार, स्टैंडर्ड ब्याज है, रुपया सैकड़ा ही ले ले, नहीं किसी की मजबूरी का 10 रुपए सैकड़ा, इचिंग पाम चलाते हैं, कई लोग 10 रुपए सैकड़ा भी लेते हैं, 5 भी लेते हैं, 2000, इचिंग पाम, इचिंग फीट यात्रा का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन, इचिंग फीट, जिसको थोड़ा सा वर्ल्ड जैसा भी है, अपना अपना शौक है, अपनी भी हॉबी है, मजाक की बातें ये, तो इचिंग फीट। फिर जा रहा है आपका पोल सपाट डिस्टेंस, अब आगे कहानी देखो, इसी से कनेक्ट कर दो, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, बीवी कहती है मैं इचिंग फिट हूं, ये कहती है घुमा के लाओ, बीवी कहती है मेरे को घुमा के लाओ, पति कहता है भाई मेरा रोज रोज अर्निंग नहीं है कि तेरे को रेस्टोरेंट में घुमाऊं, तेरे को जिसे कहते हैं रोज यात्रा कराऊं, मेरे तो बस की बात नहीं है, देवी माफ कर दे, दोनों में लड़ाई होगी, ये कहती है रेस्टोरेंट में जा, वो कहता नहीं जाऊंगा, वो कहती है घुमा के ला, वो कहते मेरे बस की बात नहीं, तो दोनों में क्या हो गया, 36 का आंकड़ा, 36 के आंकड़े को क्या कहते हैं, नहीं बनेगी भाई, बस की बात ही नहीं है, तेरी तेरी थ्योरी कुछ और है, मेरी थ्योरी कुछ और है, 36 का आंकड़ा, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है, चुंबक के दो ध्रुव आपस में कभी मैच नहीं करते, आपस में अपने आप को रिपल्स करते हैं, वो कहलाता है पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, 36 का आंकड़ा, डिवोर्स का रीजन क्या है, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, भारत और पाकिस्तान में क्या है, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, पाकिस्तान कहता है मैं युद्ध करूंगा, भारत कहता है मैं शांति करूंगा, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, दोनों में बिल्कुल ना बने, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, इससे मिलती जुलती एक फ्रेज की थी अपने याद हो तो, दो फलों को लेकर, शुरू शुरू में पहली क्लास में, एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज का मतलब विपरीत विचारधारा के लोग, यदि वाइफ एप्पल है तो पति ऑरेंज है, भैया नहीं बढ़ती, डिवोर्स का रीजन यही है, एप्पल एंड ऑरेंज, एक डिवोर्स का केस आया, मैंने कहा क्यों डिवोर्स दे रहा है,
बोले इसने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत ठीक है, मेरे को मारना चाहती है। ठीक है भाई, मत कर, तेरी नहीं किया तुमको, जबरदस्ती थोड़ी यार, तू भी मत कर। सपोज अब आप डिस्टेंस कहते हैं 36 का आंकड़ा बिल्कुल नहीं बन रही, आपके और मेरे अपोजिट विचारधारा है, आप एग्रेसिव नेचर है, मैं कूल नेचर हूं, ऐसी विचारधारा को कहते हैं पोल्स अपार्ट डिस्टेंस। क्लियर आज का टॉपिक, आइए सॉरी पेपर क्लियर, समीक्षा समझ में आया? अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, पहली क्लास है, लेकिन समझना है, बस ये वाइब क्रिएट कर लेना, समझाने का काम मेरा है। आज आए हो तो भी कोई बात नहीं है, कल आए हो तो भी कोई बात नहीं है, अभी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता एग्जाम। एग्जाम को हम बिगाड़ेंगे, एग्जाम हमारा क्या बिगाड़ेगा, नॉलेज लेकर जाओ, एग्जाम क्या कर लेगा। मैंने उस दिन कहा था, एक आर्मी ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है, अपन आर्मी ऑफिसर पे भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग शानदार होती है, चाहे उसके पास हथियार ही नहीं हो। चलिए आइए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडल जो बहुत खतरनाक, बहुत शानदार मॉडल है, जो आपसे बहुत कुछ उम्मीद करके जा रहा है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है देखिए। मैंने कहा कि मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, कल मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मैं क्या सेंटेंस बनाता? कि कल मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मैं क्या सेंटेंस बनाता? कल मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मेरा सेंटेंस क्या होता? यस्टरडे, एब्सोल्युटली राइट, आई डिड नॉट परचेज मोबाइल यस्टरडे, बिल्कुल सही है ना। कल मैं मोबाइल नहीं खरीद सका तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाता? कल मैं मोबाइल नहीं खरीद सका तो मेरा सेंटेंस कहाँ चला जाता? आई वॉज नॉट एबल टू परचेज ए मोबाइल, इसमें मॉडल तो आया ही नहीं, इसमें मॉडल तो रोटेशन में आ ही नहीं रहा है। आपका जो पहला सेंटेंस है वो ठीक है, दूसरा सेंटेंस कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा, यही आज की हमारी कहानी है। आपने कहा सर गांव नहीं जा सका और मैं गांव नहीं गया, कुछ अंतर नजर आ रहा है ना? मैं गांव नहीं जा सका और मैं गांव नहीं गया, कुछ तो अंतर है ना? सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो सका, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अलग कहानी है, मेरा सिलेक्शन ना हो सका अलग कहानी है। और आज की जो कहानी है, आज का जो मेहमान है, वो इसी का नाम है कि भूतकाल में कोई भी काम आप मजबूरी वश ना कर सके तो इस मॉडल को आना ही आना पड़ेगा, इस मॉडल को आना ही पड़ेगा। आपने बोला सर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, इच्छा थी, पैसे भी थे आपके पास 30,000, मोबाइल तो 26,500 का ही था, नहीं खरीदा। आपके पास थे 25,000, मोबाइल का 30,000 का, बाहर आके बोले सर मैं मोबाइल नहीं खरीद सका, आपका भाव, आपका चेंज, आपके इमोशंस चेंज हो गए। ये मॉडल बहुत काम में आता है, लिखने में भी, बोलने में भी और जनरल भी। इसका नाम है कुंड, इसको कुंड कहते हैं, इसका यूज देख लीजिए, इसका यूज होता है भूतकाल में, इसकी एक्टिव भी इंपॉर्टेंट है और पैसिव भी इंपॉर्टेंट है। भूतकाल में कोई काम, कैन का पास्ट है, कोई काम आप मजबूरी वश ना कर सके, मजबूरी वश, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, मजबूरी वश ना कर सके, इसका निगेटिव काम में आता है, पॉजिटिव कभी काम में नहीं आ सका, कर सके। सर मैं इंटरव्यू में अंग्रेजी ना बोल सका, ये हमारे भूतकाल में हमारी कैपेसिटी, भूतकाल में हमारी कैपेसिटी, यानी जो कैन करता है कैपेसिटी एंड एबिलिटी को शो करता है। मैं नदी में तैर सका नहीं तैर सका, एबिलिटी को बताता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुड हमारा वो मॉडल है जो भूतकाल से संबंधित है। पहली बात, भूतकाल में आपने कोई काम मजबूरीवश ना किया तो आप कुड के पास जाएंगे। अभी मैं ग्राफ बना देता हूं, टेंस में कब जाना है, कुड में कब जाना है। और तीसरा, इसके साथ वाला वाक्य कभी आए भरने के लिए, इसके साथ वाला वाक्य जो भी आए आगे पीछे, साथ वाला वाक्य हमेशा पास्ट में आएगा, क्योंकि पास्ट का ही मॉडल है, कैन का पास्ट है, इसको डायरेक्ट में भी पढ़ेंगे, इसके साथ वाला वाक्य पास्ट में ही आएगा, इसके साथ वाला वाक्य पास्ट में ही आएगा। मैं गरीब था, मैं गरीब था इसे फीस जमा ना करा सका, आई वॉज पुअर सो आई कुड नॉट डिपॉजिट माई फी। वेरी इंपॉर्टेंट थ्री पॉइंट, इंपॉर्टेंट कर लेना, कुड हमारा मॉडल है, हमने कोई भी काम भूतकाल में, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ग्राफ समझ में आता है मैथ्स की तरह है। भूतकाल में कोई भी काम
भूतकाल में कोई भी काम इच्छा से ना किया हो, इच्छा डिजायर, इच्छा से कोई काम ना किया हो, इच्छा नहीं थी साहब, कोई काम नहीं किया, इच्छा से कोई काम नहीं किया, तो आप अपना वाक्य डिड नॉट में भी बना सकते हैं, डिड नॉट के साथ वी वन और हैड नॉट से भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। आप अपना वाक्य डिड नॉट प्लस वी वन से भी बना सकते हैं और अपना वाक्य हैड नॉट प्लस वी वन से भी बना सकते हैं, लेकिन लेकिन ये लेकिन बड़ा खतरनाक है, यदि भूतकाल में कोई भी काम आप मजबूरी वश ना कर सके, मजबूरी वश ना कर सके, तो कुड नॉट के साथ, इसका नेगेटिव भी आता है ज्यादातर काम में, कुड नॉट के साथ वी वन आएगा। सर मैं गांव नहीं जा सका, सर मैं किताब नहीं खरीद सका, मैं सर मैं आरजेस नहीं बन सका, कोशिश तो बहुत की थी मैंने, मैं आरजेस नहीं बना, ये थोड़ी बोलोगे आप, नहीं बन सका, क्योंकि इच्छा तो सबकी थी, मेहनत भी की थी, लेकिन जो भी था मैं लक कुछ नहीं होता है, आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं थी जो एग्जाम चाहता था, तो इसकी फ्रेमिंग कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, इसका कुड नॉट ही आता है ज्यादातर काम में, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल सका ऐसा कम काम भी लेते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रखना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, कर सका सका या नहीं कर सका, ये फ्रेमिंग पकड़नी पड़ेगी आपको, नहीं कर सका, कर सका और नहीं कर सका, कुड नॉट और कुड के साथ वी वन। यदि इसकी पैसिव जा रही है कि सर सब्जेक्ट रो, तो जैसे कई बार पुलिस कहती है कि इस लाश की शिनाख्त ना हो सकी, ये बोलती है वो, आप अखबार में पढ़ना, अखबार पढ़ना भी सिखाऊंगा मैं आपको, अखबार पढ़ने की आदत, दो चीजों में दोस्ती करना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से और न्यूज़पेपर से, इसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं करनी है। यदि आपने पैसिव कहना चाहते हो तो हाँ, आपको पता है पैसिव में हर मॉडल के साथ बी आएगा, उसके साथ वी थ्री आएगा, उसके साथ बाय सब्जेक्ट हो बहुत जरूरी तो लगा देना, नहीं जरूरी तो बाय बाय कर देना, कोई जरूरी नहीं है। नहीं हो सका, नहीं हो सका, नहीं हो सका, छोटे सेंटेंस विदाउट वोकैब सेंटेंस, जो आपके एक थ्योरी समझ में आ जाए, सर आई कुड नॉट परचेज ए मोबाइल, आई कुड नॉट परचेज अ मोबाइल, कारण बता दीजिए, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण भी मोबाइल नहीं खरीद सका, मोबाइल ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, आई कुड नॉट, डिड नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट नहीं आएगा, आपकी मजबूरी है, आप दो दिन तक क्लास में नहीं आए, आपकी मजबूरी थी या इच्छा थी, मजबूरी, कुड नॉट, सर आई कुड नॉट अटेंड योर क्लास, और बोले सर आई डिड नॉट अटेंड योर क्लास, इच्छा ही नहीं थी, सॉरी सर आई कुड नॉट अटेंड योर क्लास, मजबूरी थी, बीमार हो गए, जो भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज थी, कुड नॉट, ज्ञान के अभाव के कारण मेरा सिलेक्शन ना हो सका, मेरा चयन ना हो सका, एक्टिव या पैसिव, मेरा चयन नहीं हो सका, चयन कोई और करेगा ना, कुडंट बी, यहां इसी को घुमा देता हूं मैं, आई कुडंट बी, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी एग्जाम को छोड़ दो एक बार, क्या ये नॉलेज अच्छी नहीं लग रही, एग्जाम को छोड़ दो आप, एग्जाम नहीं है हमारा, तो ये पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, कुड और कुड बी क्या रोल निभाते हैं जिंदगी में, आज तक ही वो किताबों में बाध्यता ऑब्लिगेशन, अरे एप्लीकेशन समझाने काका जी जो मजे आए वो का वो लिखा देते हैं, आज भी लिखा रहे हैं, आज भी आरजेएस वालों की क्लास चल रही है तो वो सेम नॉलेज लिखा रहे हैं जो किताबों में, कुड आया ये सेम किताब की कॉपी, कोमा भी चेंज नहीं करते बंदे, कोमा भी, दिमाग कैसे खुलेगा ऐसे ऐसे बेकूफ, कोमा भी आप, मैं एक्सपायर जेड किसी का नाम नहीं लूंगा, एक कोमा भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज, ग्रामर ग्रामर, अरे ग्रामर को खाओगे क्या, जब लिखना ही नहीं आता तो ग्रामर का करोगे क्या, ग्रामर तो आटे में नमक जितना रोल है, मैं एक घंटे में पूरी ग्रामर रोटेशन पे डाल दूंगा, एक घंटा एन आवर 61 मिनट भी नहीं होने दूंगा, आई कुड नॉट बी, मजा आ रहा है ना, आई कुड नॉट बी सिलेक्टेड, I could not be selected due to lack of knowledge. I couldn't be selected. मेरा चयन नहीं हो सका. I couldn't be selected due to lack of knowledge. इसका a mobile couldn't be purchased. इसको ले आओ. A mobile couldn't be purchased. ये पेपर में करेंगे. ये एक्टिव पैसिव का खेल पेपर में खेलेंगे. एक एक्टिव का सेंटेंस होगा, फिर उसकी पैसिव पकड़ना सिखाऊंगा. I could not, ये रिटर्न के हिसाब से
वो ऑब्जेक्टिव आई जाएगा, आई कुड नॉट परचेज ए मोबाइल ड्यू टू लैक ऑफ मनी, आई कुडंट बी सिलेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, तेज गर्मी के कारण मैं गांव नहीं जा सका, तेज गर्मी के कारण मैं गांव नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू विलेज ड्यू टू इंटेंस हीट, डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों का ऑपरेशन ना हो सका। कौन करे, पैसिव का सेंटेंस है, द पेशेंट्स कुड नॉट बी ऑपरेटेड ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ डॉक्टर्स। ज्यादा मूल्य के कारण मेरा मकान ना बिक सका। एक्टिव या पैसिव? पैसिव। माई हाउस कुड नॉट बी सोल्ड ड्यू टू एक्सेसिव प्राइस। वो चार अपराधी पकड़े ना जा सके। फोर क्रिमिनल्स ऑफेंडर्स कुड नॉट बी अरेस्टेड। चारों अपराधियों को उसमें कोर्ट में पेश ना किया जा सका। फोर ऑफेंडर्स कुड नॉट बी प्रेजेंटेड या प्रेज्यूड इन कोर्ट। वकीलों की हड़ताल के कारण उनकी जमानत आर्ग्यू ना हो सकी। दियर बेल कुड नॉट बी आर्ग्यूड, ये कुड नॉट बी आर्ग्यूड ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ लॉयर्स। बिजली की प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास कल आयोजित ना हो सकी। Our class couldn't be conducted due to electricity problem. Couldn't be और could को पकड़ना है क्योंकि affirmative कभी काम में आता है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका, अरे मैं भूल गया यार, आपको फोन नहीं कर सका। I couldn't dial you, अरे मैं कल आपको टॉपिक नहीं भेज सका। I couldn't send topic, इच्छा तो थी लेकिन भूल गया। तो could और could की कहानी क्लियर, should और should be की कहानी क्लियर। टिप्स और चाहिए, could plus v1, could have would have v3, should have v3, should plus v1 should be v3, और आज हमारा मेहमान है could plus v1। इसका could not काम में आता है, इसी से बात करेंगे ज्यादा, या इसकी पैसिव आती है। लाश की शिनाख्त ना हो सकी, SHO ने SP से कहा सर लाश की शिनाख्त ना हो सकी, कोई आइडेंटिफाई वो ऐसे बोले लाश की शिनाख्त नहीं हुई तो SP गला नहीं पकड़ लेगा, वो बोले साहब नहीं हुई तो अच्छा आ जा, नहीं हो सकी का मतलब इसका चेहरा विकृत था, चेहरे पर तेजाब था, पत्थर मारे हुए थे, सर कोशिश तो खूब की लेकिन बस एक शर्ट मिला है जिस पर टेलर का नाम है, तो इसकी शिनाख्त तो अभी नहीं हो सकी, हिंदू है कि मुस्लिम है अभी तो यही पता नहीं चला। तो वो क्या बोलेगा, सॉरी सर द कॉप्स कुडंट बी आइडेंटिफाई। जब तक नॉलेज के साथ एक धुआंधार गेम नहीं खेलेंगे फोबिया खत्म नहीं होगा। किताबों में लिखने से नॉलेज आज तक ना तो सॉरी कॉपी में लिखने से नॉलेज ना तो आज तक किसी की बढ़ी है ना बढ़ेगी। बस वो कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर थोड़ी अच्छी नॉलेज इकट्ठी करके आपसे आगे निकल जाते हैं। आप क्यों नहीं निकल सकते सारे के सारे, क्या प्रॉब्लम है आपने? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यदि मेरी ट्रेनिंग अच्छी है, मेरा नॉलेज अच्छा है और आप नॉलेज ले रहे हैं रेगुलर, तो फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? इतना सा बता दू मेरे को तो बस। गुरु जी ने अच्छी नॉलेज दी, शिष्य ने अच्छी नॉलेज ली, तो सारे के सारे चंद्रगुप्त और वो अर्जुन क्यों नहीं बन सकते? हाँ मैं द्रोण हूं, मेरे अंदर बायस है कि एकलव्य का तो अंगूठा लेना है और कर्ण की जो है शिक्षा नहीं देनी है, तो मैटर अलग है, तो मैटर द्रोण का पक्षपात लेके चलूंगा मैं तो मैटर अलग है, लेकिन मेरे लिए सारे अर्जुन हो, सारे एकलव्य हो, सारे कर्ण हो, सबको धुआंधार देंगे ना नॉलेज, क्या प्रॉब्लम? सबको बढ़ाना है, क्यों? सब में इक्वल है। हाँ सर वो टॉप पर आए तो माथे पे सीखे क्या टॉप पर आने वाले के? क्या है, क्या ऐसा स्पेशल है आपके अंदर? यदि क्या है, मेहनत है तो आप टैलेंट को पैदा कर सकते हो, याद रखना मेहनत टैलेंट को पैदा कर देती है, टैलेंट मेहनत को कभी पैदा नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। आप मेहनती हो ना, ठीक है, ये एक बार में समझ में आता, आप 10 बार पढ़ो ना, प्रतिबिंब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरी बॉडी हिल रही है अंदर से, पूरा सिस्टम हिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हो, सीधी सी कहानी है।
तो आइए कुन्नौर को कुन्नौर एक अच्छी कहानी हम लेते हैं। क्या कहती है कुन्नौर और कुन्नौर की कहानी देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो जनरली हम पढ़ते भी हैं और उसको यूज भी करते हैं, राजनीतिक रुतबे के कारण। 15 नंबर 15 में से किसको चाहिए? हाथ खड़े कर लो, मैं दिलवाऊंगा। फैक्ट पूरी क्लास, इट्स माय चैलेंज। आपको नीचे मिलेगा 15 में से 15, पक्का है ना? मैं दिलवा के लाऊंगा। मेहनत वो कर जाना, चाहे ऑडियो आए, चाहे वीडियो आए, चाहे मैं आऊं, चाहे नहीं आए। बात ये नहीं है कि हमारा प्री 70 पे क्लियर हो जाएगा। जब आप 85-90 नंबर ना प्री क्लियर करोगे, देखना बेंस में क्या कॉन्फिडेंस आता है। जब अपना प्री आपने थाली मुझे 90 पे क्लियर करना है, मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, पता है ना, सबको पता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहां तक काम करेगा? बेंस तक काम करेगा। और बेंस का कॉन्फिडेंस इंटरव्यू तक काम करेगा कि यार वहां पर 90 नंबर ला सकते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नॉलेज तो वही काम में आनी है ना, बस उसका लेबरेट करना है। और एक मार्जिन पे पास हुए आप, मार्जिन पे पास होकर क्या तीर मार लेंगे? यदि आप मार्जिन पे पास हो रहे हैं, आप ये लेके चलो ना, ये दिमाग में चीज डाल लेना कि 100 नंबर का प्री के मार्क्स ऐड होंगे। बस इतना सा दिमाग में प्रिंट कर लेना कि ये 100 नंबर का जो प्री आ रहा है क्वालिफाई नहीं है, इसके मार्क्स ऐड होंगे। ये थिंकिंग लेके चलना, देखना आज आप पढ़ने में चेंज हो जाओगे। ये वाइब चेंज कर देना, आप ये क्वालिफाई क्वालिफाई होते हल्का, नहीं इसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसके मार्क्स जुड़ेंगे और जुड़ते ही वाइब चेंज होती, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है ऐसा मान लो, इसके मार्क्स जुड़ेंगे ये मान लो, देखना आपके परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। गलत क्यों करूं मैं, गलत क्यों करूं मैं? यहाँ पर क्या सिखा दिया जाता है? कई बार जो हमारे सोचते हैं अरे सारे कर देना, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्यों कर देना सारे? यानी आप एक पाप कर रहे हो, आप एक महापाप कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप तुक्का मार रहे हो जिससे बड़ा माँ बाप, तो आप अपने टैलेंट का गला घोट रहे हो, आप अपने जो है अपनी नॉलेज का गला घोट रहे हो। नॉलेज को बुलाओ, फिर आंसर दो ना आप। ठीक है 100 नहीं हो पाएंगे, 90 तो होंगे ना। और ऐसा आप बोलो क्वालिफाई पर, तो क्वालिफाई होगा कौन सा तीर मार लोगे? जब आप प्री में ही आपको मतलब ये स्वीकार है कि मैं लोगों से पीछे रहूं, ये स्वीकार है, मतलब ये आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को लोगों से पीछे रहना अच्छा लगता है। एलन मस्क को टारगेट बनाओ, 98 आ गए, उसकी होने वाली बीवी के 97 आए, क्या नाम भूल गया उसकी वाइफ का, 97 आए, फिर भी जाके प्रोफेसर को कहता देखो ना 2 नंबर और बढ़ सकते हैं क्या? क्या कॉम्पिटिशन होगा इस आदमी के दिमाग में, तभी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। मैंने इसको सुना तो मैं खुद जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा ऐसे आदमी को सुनकर कि 98 आ गए, फिर कहते 2 नंबर हो सकते हैं क्या? क्या कॉम्पिटिशन होगा इसमें? देखो क्या धुआंधार इंसान होगा जो कहता है, और विदाउट किसी नॉलेज के रॉकेट साइंस पढ़ ली किताबों से रॉकेट साइंस, और दुनिया की पहली और आखिरी कंपनी इसकी कंपनी अमेरिका की टेस्ला, जहां पर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। टैलेंटेड बंदा है, फ्रांस गया, जैसे अजमेरी गेट से पार्ट्स लेके आते हैं ना, फ्रांस गया, सुबह गया, शाम को जाकर पार्ट्स ले आया, बोले 2 दिन, 2 दिन किसके पास है? क्योंकि आई कांट तो वर्ड ही नहीं है ना मेरी डिक्शनरी में। वाइफ को चेंज करो, 100 नंबर जुड़ेंगे आपके, ये वाइफ से पढ़ना आज, देखना क्या चेंज होता है। आइए वापस, राजनीतिक रुतबे के कारण। राजनीतिक रुतबे को सर क्या बोलेंगे, कोई वर्ड आ गया? राजनीतिक रुतबे के कारण सोची समझी गई हत्या की जांच ना हो सकी। बहुत अच्छे से हैंडल करना है, समझते हुए हैंडल करना है, हो सकी। दिमाग में 100 नंबर प्री में जुड़ेंगे, ये दिमाग में लेके चलते हुए चलना है। मेंस में पूरे में टॉप करके आना है, मैं तो सिलेक्शन यदि फेल हमें तो टॉप करके आना है, और टॉप पर भी बहुत ऐसा टॉप जो आपका पूरा वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो, ऐसा टॉप। माँ बाप को भी लगे एक सिकंदर हमारे घर में भी पैदा हुआ है, लगे ऐसी फीलिंग्स आए, वो फीलिंग्स वो अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए कोई हो नहीं सकता है। तो आइए इसको पैसिव या एक्टिव, पैसिव है ना, पैसिव को उठाओ। द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब देखो जो शुरू से मेरे साथ हैं वो आपको लग रहा होगा इनको बहुत कुछ आता है, इनको बहुत कुछ इसलिए आता है कि शुरू से साथ हैं, बस वो गैप का क्या फर्क है, वो थोड़ी एब्सेंट के गैप का फर्क है जो हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। कुड नॉट बी ओके। द
कोल्ड ब्लडेड मर्डर कुड नॉट बी। फिर जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेटेड आता है, इन्वेस्टिगेटेड या दूसरा वर्ड कर लो प्रॉब्ड, प्रॉब्ड भी जांच करना। किसके कारण? ऊपर से फोन आ गया कि मामले को अशब कर देना, नहीं तो बहुत सारे मिनिस्टर इसमें फंस जाएंगे। ड्यू टू, लगाओ ड्यू टू को, ड्यू टू राजनीतिक रुतबे को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल क्लाउट, इसको पॉलिटिकल बोलते हैं। और वो जो रुतबा जो ऊपर से फोन आता है वो क्लाउट कहलाता है। क्लाउट, जब भी कोई वीआईपी अरेस्ट होता है वो सब जगह फोन घुमाता है तो उसे कहते हैं क्लाउट। हाँ साहब वो तो एसपी तो मेरा जान पहचान का है, अरे वो मंत्री जी जैसे फिल्मों के कहते हैं, अरे तू जानता नहीं मेरी तो सेंटर तक औकात है, वो पॉलिटिकल क्लाउट की धमकी देता है। इसकी फ्रेजल वर्ब क्या आएगी जांच करने की? मैंने आपको बताई थी लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है जांच करना, लुक के साथ इनटू आएगा। लुक की सारी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, जांच करना। इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, खैर यहाँ तो पैसिव में है, यदि एक्टिव में होता तो इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। मैं आपको 25 वर्ड बताऊंगा जहां प्रपोजिशन नहीं लगाने हैं या जीरो प्रपोजिशन, हम लगा देते हैं हमारी मर्जी से, हमारी तो मर्जी है ना इंपॉर्टेंट, तो वो भी नंबर दे देता है अपनी मर्जी से, दादागिरी तो रही नहीं ना। लुक के साथ इनटू आएगा, इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रपोजिशन कुछ नहीं आएगा। और जांच करने के 3 वर्ड, जांच करवा रहे हैं एसएसपी साहब से, पहला सेफ, दूसरा स्क्रूटिनी, तीसरा प्रॉब। याद रखने का तरीका, एसएसपी साहब जांच कर रहे हैं, और शिफ्ट किसको कहते हैं? जो घर में अपन आटा छानते हैं उसे भी शिफ्ट कहा जाता है, रसोई घर का वर्ड है। व्हाट आर योर मम्मी डूइंग? बोले माय मम्मी इज शिफ्टिंग फ्लोर, मेरी मम्मी आटा छान रही है। तो शिफ्ट यानी जांच करना, स्क्रूटिनी जांच करना, प्रॉब भी जांच करना। आपने इसके कारण मॉडल कुड को उठाया, मॉडल कुड ने पैसिव वॉइस को बुलाया, पैसिव ने थर्ड फॉर्म को बुलाया और सेंटेंस को रच दिया। ऐसे गेम खेलो कि ऐसे लगेगी यार वास्तव में कुछ किया है। राजनैतिक द्रुतबे के कारण वह सोची सब्जी ना हो सकी। बोले साहब सब्जेक्ट कहाँ है सेंटेंस में? बोले नहीं है, नहीं तो चल पैसिव में क्या फर्क पड़ेगा हमारे, अभी तो दोनों गेम खेलने आते हैं ना। कुड नॉट बी, अभी थोड़ी देर पहले कुड गया था, कुछ अता पता नहीं था, आप देखो कुड नॉट बी के साथ गेम खेलो आप। कुड नॉट के साथ डिस्कशन चल रहा है, बहुत अच्छा डिस्कशन, सेंटेंस एक्टिव वॉइस की तरफ लेके जा रहा हूं मैं नेक्स्ट। वह अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण, अंतर्मुखी कहते हैं जो कम बोलता हो, स्टूडेंट को अंतर्मुखी होना चाहिए। वह अपनी यानी कम बोलने वाला, जिसको आप कहते हैं लोकल भाषा में रिजर्व, अंतर्मुखी स्वभाव के कारण या प्रवृत्ति के कारण वह अपनी अंतर्मुखी स्वभाव के कारण मेरे साथ अपना सुख दुख ना बांट सका। अपना सुख दुख, ये फ्रेज जेएलओ में आ चुकी है, सुख दुख ना बांट सका। बांटा नहीं, बांटा तो टेंस में जाओगे, ग्रामर को तैयार कर लेना, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। वह अपनी अंतर्मुखी स्वभाव के कारण मेरे साथ अपना सुख दुख ना बांट सका, कोशिश तो की थी बंदे ने लेकिन बोलता ही कम है, ना बांट सका। हालांकि कंजेक्शन है जो कंजेक्शन में जाएगा, ग्रामर में एक दिन भी एब्सेंट मत करना मॉडल्स खत्म होने के बाद, ये भी ग्रामर ही है लेकिन फिर शुरू होगी इन चारों पिलर पर हमारी ओरिजिनल ग्रामर, बड़ा मजा आएगा। हालांकि मैं उसके सुख दुख का साथी हूं, उसके सुख दुख का साथी हूं। कुमार विश्वास क्यों है? क्योंकि शब्दों के साथ गेम खेलता है वो। मैं उसके सुख दुख का साथी हूं, आपके दिमाग में क्या फ्रेमिंग आ रही है, लेकिन जो भी आ रही है वो एग्जाम की तरफ नहीं जा रही है। आपकी फ्रेमिंग आपको मुबारक, एग्जाम कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सका और मैं उसके सुख दुख का साथी हूं, विनायक पानी देना। मैं अपनी अंतर्मुखी स्वभाव की कोशिश तो की थी कि मैं बताऊं अपना सुख दुख,
अब सुख दुख के लिए आपके पास आ रहा हैप्पी एंड सोरो। एग्जाम कहता है भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं हैप्पी एंड सोरो क्या होता है। हैप्पी एंड सोरो मैं जानता नहीं, नहीं जानता तो कोई बात नहीं। वह अपनी अंतर्मुखी स्वभाव के कारण एक्टिव या पैसिव? एक्टिव, क्लियर। ही कुड, बुलाओ कुड को, आज हमको कुड ही जानते और तो कुछ जानते नहीं है। ही कुड नॉट शेयर, बांटना शेयर, क्या क्या, अपना सुख दुख, हिज, बुलाओ सुख दुख को, पेन एंड प्लेजर। वो हैप्पी एंड सोरो नहीं आएगा, पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर कहते हैं सुख दुख को, पेन एंड प्लेजर। पेन यानी दुख, प्लेजर यानी खुशी, दोनों पीपर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट। ही कुड नॉट शेयर हिज पेन एंड प्लेजर, काहे के कारण, कब बोलता है भाई, अंदर अपनी फीलिंग्स को रखता है। आत्महत्या करने वाले लोग ऐसे ही तो होते हैं, वो किसी को कह तो पाते नहीं और वो जो है सुसाइड कर लेते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। वो बताते तो हो सकता है कुछ सोल्यूशन हो जाए, इसलिए अपने अंदर की जो घुटन हो, कभी आप भी मोटिवेट हो तो शेयर कर लेना चाहिए, शेयर करने से मोटिवेशन मिल जाता है। ऐसा नहीं मेरे मार्क्स कम आ गए आत्महत्या करूंगा, आत्महत्या इज नॉट ए सोल्यूशन। लाइफ स्ट्रगल का नाम है, टकराव, बड़ा मजा आता है, आदमी तो कल सवेरा होगा, होगा जरूर। ड्यू टू हिज इंट्रोवर्ट नेचर, इंट्रोवर्ट कब बोलता है भाई, एक्सट्रोवर्ट जो अच्छा बोलता हो, जो अपनी फीलिंग्स को खुलकर बता दे वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है, जो अपनी फीलिंग्स को दबा जाए वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। आई कुड नॉट शेयर हिज पेन एंड प्लेजर ड्यू टू हिज इंट्रोवर्ट नेचर, इंट्रोवर्ट नेचर, हालांकि मैं उसके सुख दुख का साथी हूँ। आल्दो, आल्दो एक कंजक्शन है, जो कंजक्शन है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आल्दो आई एम, आई एम, बोले सर हैप्पी एंड सोरो फ्रेंड लगा दो ना, एग्जाम को मंजूर नहीं है, स्टैंडर्ड को मंजूर नहीं है। स्टैंडर्ड को तो वही चीज है उसको चाहिए जो डिक्शनरी बनाई है, यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनाई है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, ये बात सही है। हालांकि मैं उसके सुख दुख का साथी हूँ, आल्दो कंजक्शन लाए आप, कंजक्शन में पूरा पढ़ेंगे इसको, क्या इसकी ग्रामेटिकल पावर है, कैसे क्वेश्चन बनाता है ये, आज हमने इससे थोड़ी सी आपका इंट्रोडक्शन डाल दिया। आल्दो आई एम क्या है, उसके सुख दुख का साथी हूँ, आई एम हिज व्हील एंड वो कंपेनियन, काफी एग्जाम में कवर हो चुकी है। व्हील एंड वो, व्हील कहते हैं शरीर पर चोटें, वो कहते हैं दिमागी चिंता। आपको 10 लाख रुपए की चिंता है तो पैसे लेकर आ गया और शरीर को एक्सीडेंट हो गया तो आपके साथ है। व्हील एंड वो कंपेनियन, सुख दुख का साथी। आपकी कहानी कुंड पे चल रही है, आपके कुंड के अलावा कुछ नहीं आता है। आज आपने कुंड और कुंड नोट पर प्रहार किया, इंट्रोडक्शन, इनका जो गेम खेलेंगे वो एग्जाम में जबरदस्त खेलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये, वो गेम अच्छे खेलेंगे, क्योंकि गेम खेलने से एक बार हम सारे मॉडल्स को जहाँ से हमने शुरू किया था एक बार में रिपीटेशन में डाल देता हूँ। पहला मॉडल अपने इफ के या उसके साथ किया, इफ के साथ क्या आया, या तो कुड आया या वुड आया, करता। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, इफ आई वर ए बर्ड आई कुड और वुड फ्लाई द स्काई। दूसरा मॉडल जो आपसे आया टिप्स में डाल देना, या तो वुड हैव आया या इसी का भाई कुड हैव आया, कर सकता था। सर आप फोन कर सकते थे, कर सकता था, आप ये मकान खरीद सकते थे, आप आरजेस बन सकते थे, आप जो है दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकते थे, कुछ भी। आपका भाई गरीब है, आप उसकी हेल्प कर सकते थे ना, यू वुड हेल्प योर ब्रदर, कर सकता था। वुड हैव और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आया था आपसे मिलने के लिए शुड हैव, शुड हैव ने कहा था भैया भूतकाल में किसी को राय दो तो शुड हैव को यूज कर लेना, भूतकाल की राय। भूतकाल में किसी को राय दो तो शुड हैव को यूज करना, किसी को ना चाहिए था तुम्हें पसीने में पानी दी पीना चाहिए, शुड हैव के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म। भूतकाल में किसी को राय देनी है तो शुड हैव है। भूतकाल में किसी को कहना भैया तू ऐसा कर सकता था वैसा कर सकता था तो वुड हैव और कुड हैव। फिर आपने पढ़ा शुड, शुड कहता है वर्तमान की राय, शुड कहता है वर्तमान की राय। आपको
वर्तमान की राय, आपको अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको दिन के 200 सेक्शन तैयार करने चाहिए, यू शुड तैयार 200 मिनिमम 200 सेक्शन पर डे। वर्तमान की राय, आपको दिलो जान से सोल्व फॉर आरजेएस एग्जामिनेशन, आपको एक भी दिन